Hello everyone, I Utkasha Singh, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic. Students, today we are going to learn about cogeneration. It's our new chapter, unit number 4, cogeneration. On previous video, you have learned about energy efficient transformer and learning outcomes. You will be able to learn about cogeneration, its concept, principle.

The heat, which is used to generate an electricity, that heat or you can say a steam, is used for other application. Cogeneration is like energy efficient, environmental friendly method hai, which is used to produce electricity that is power, steam, and hot power at the same time in process with one fuel. ek fuel say हम जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वहीं पे दैट स्टीम विच इज़ यूज टू जनरेट दैट इलेक्ट्रिसिटी विच वी गिव टू टर्बाइन एंड आफ्टर द टर्बाइन इट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी सो उस टर्बाइन में जो वेस्ट हीट है ना वेस्ट हीट जो कि कंडेंसर में जाके वाटर में कन्वर्ट होता है उस हीट को जो लो प्रेशर हीट होती है उसे हम दूसरी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं सो so, इससे क्या हो रहा है एक ही फिल से आप एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हो और जो स्टीम जो वेस्ट हीट होती है उसका यूज़ करके आप दूसरी इंडस्ट्रीज में भी उसका यूज़ कर रहे हो ये एक लोकल एनर्जी प्रोडक्शन है यहाँ पर हीट जो है वो आपका मेन प्रोडक्ट है एंड उससे जनरेट होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या फिर उसका आप हॉट वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो या कोल्ड वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो दे आर द बाई प्रोडक्ट क्योंकि वो हीट से जनरेट हो रही है ही इसलिए उसको बाई प्रोडक्ट बोल रहे हैं यूज़ इज़ हीट दैट इज़ लॉस्ट अदरवाइज और को जनरेशन में हम लोग वो हीट यूज़ करते हैं विच इज़ लॉस्ट जो कि प्लांट में जिसका कोई यूज़ नहीं होता उस लॉस्ट हीट को दैट इज कॉल्ड अ वेस्ट हीट ये हम को जनरेशन में यूज़ करते हैं सो यू कैन से हियर इट फ्यूल एंड विच इज़ गिवन टू द इफ को जनरेशन देन इट गिव्स टू थिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेयर अगर आप कन्वेंशनल में देखोगे नॉर्मल थर्मा पावर प्लांट में तो वैन वी यूज फ्यूल दैन इट गिव्स ओनली इलेक्ट्रिसिटी बट को जनरेशन में वी आर गेटिंग बोथ बर्न एनर्जी वंस एंड यूज इट टवाइस वाई को जनरेशन वाई इट इज इम्पॉर्टेंट वॉट इज द नीड ऑफ को जनरेशन ओके तो थर्मल पावर प्लांट आर द मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन इंडिया व्यू ऑल नो कि थर्मल पावर प्लांट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड यू ऑल नो किटलीस्ट थर्टी फाइव परसेंट जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ़ कोल प्लांट ठीक है सो कन्वेंशनल मेथड कन्वेंशनल मेथड का अगर हम यूज़ करते हैं सो द कन्वेन्शनल मेथड ऑफ पावर जनरेशन एंड सप्लाई टू द कस्टमर इज वेस्टफुल इन द सेंस दैट ओनली थर्ड ऑफ द प्राइमरी एनर्जी फिड इन टू द पावर प्लांट इज एक्चुअली मेड अवेलेबल टू द यूजर मतलब कि जितना भी आप थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी आप जनरेट कर रहे हो ठीक है आपने जितना फूल यूज़ किया फ्यूल उससे वन थर्ड ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है आधी से ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेस्ट होती है ठीक है सो बिकॉज ऑफ दैट जो कन्वेंशनल पावर जनरेशन है वो हमें एटलीस्ट सिर्फ थर्टी फाइव परसेंट एफिशेंट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है जबकि अप टू सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ एनर्जी पोटेंशियल इज रिलीज एज अ वेस्ट हीट मीन्स वेन यू आर यूजिंग अ फोइल ऑफ हंड्रेड परसेंट बट थर्टी फाइव परसेंट ऑफ एनर्जी इज ओनली जनरेटेड एंड सिक्सटी फाइव परसेंट इज टोटली वेस्टेड सो मोर रिसेंट कम्बाइंड जनरेशन कैन इम्प्रूव दिस टू फिफ्टी फाइव लेकिन अगर हम को जनरेशन का यूज़ करते हैं विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कम्बाइंड साइकिल जनरेशन तो वी कैन इम्प्रूव दिस टू फिफ्टी फाइव जो कि थर्टी फ़ाइव आपको एफिशेंट एनर्जी मिल रही है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं फिफ्टी फाइव परसेंट तक इनकनवेंशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेसन फर्दर लॉसेस ऑफ अराउंड फाइव टू टेन परसेंट एसोसिएटेड विद द और उसके बाद जब आपका थर्टी फाइव परसेंट आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है देन हम उसे ट्रांसमीट करते हैं देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन दैट ऑल्सो फाइव टू टेन परसेंट लॉसेस आर देयर मीन्स यहाँ आप हंड्रेड परसेंट ऑफ फ्यूल यूज़ कर रहे हो टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आपको आउटपुट सिर्फ थर्टी फाइव परसेंट मिल रहा है थर्टी फाइव परसेंट का भी फाइव टू टेन परसेंट आपके लॉसेस में जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दो द यूटिलाइजेशन ऑफ हीट

मीन्स इसीलिए जब को जनरेशन हम यूज़ करते हैं तो उसमें देखो आपको नाइन्टी परसेंट आपको एनर्जी एफिशेंट भी मिलेगा प्लस उसमें आपको फिफ्टी टू फोर्टी परसेंट आप कंजर्वेशन भी कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हीट तो विच इज़ वेरी ग्रेट ना एज यू कैन सी दिस एनालिज दैट सपरेट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट मीन्स दैट सपरेट मतलब जो हम लोग कन्वेंशनल जैसे थर्मल पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लान्टियोथर्मल ये सारे आपके क्या हैं सेपरेट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इफ़ यू सी दैट अ फूल ऑफ हंड्रेड यूनिट इज गिवन टू पावर प्लांट देन यू विल गेट अ थर्टी सिक्स यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके एंड वेन दिस फूएल इज फिट टू बॉयलर यू गेट एटी यूनिट ऑफ हीट मतलब यहाँ पे आप देखो कि अगर आप किसी भी थर्मल पावर प्लांट को या किसी भी नॉर्मल प्लांट को आप टेन परसेंट ऑफ या दस सौ यूनिट का अगर आप फ्यूल उसको देते हो ठीक है अगर आप बॉयलर को दे रहे हो तो वो कितनी हीट जनरेट कर रहा है एट्टी यूनिट ऑफ हीट इज़ जनरेटिंग इन दैट बॉयलर एंड पावर प्लांट में अगर आप एक्यूरेट पावर प्लांट को देते हो तो आपको सिर्फ थर्टी सिक्स एलेक्ट्रिसिटी यूनिट आपकी जनरेट हो रही है और अगर आप उसके कैलकुलेट करते हो टोटल एफिशिएंसी देन यू विल गेट ओनली फिफ्टी एट परसेंट ऑफ एफिशिएंसी बट वहीं अगर आप को जनरेशन देखते हो तो को जनरेशन का हंड्रेड यूनिट ऑफ फ्यूल व्हेन यू आर यूजिंग यू विल गेट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ थर्टी यूनिट्स एंड फिफ्टी फाइव यूनिट्स ऑफ हीट क्योंकि को जनरेशन में हमें दो आउटपुट मिलते हैं जबकि सपरेशन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट में यू विल गेट ओनली वन आउटपुट if you see the efficiency you will get 85% so this is the survey and the energy scenario in conventional power unit and energy scenario of co generation power plant you can see that energy wasted is 55% and only 45% of energy is used when you are using conventional energy plant and when you see just the right hand side of that 80% of energy is used and 20% of energy is wasted in conventional power plant with in conventional power plant up they go 100% of energy input there but up goes 45% of output mil energy is used rest 55 is wasted बिकॉज ऑफ हीट जो हीट हम लोग यूज़ होते हैं वहाँ पे दो हीट यूज़ होता है टर्बाइन में एक हाई प्रेशर हीट होता है और एक लो प्रेशर हीट होता है हाई प्रेशर हीट ही होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं पर जो लो प्रेशर हीट होता है वो वेस्ट हीट होता है और उसका यूज़ हम क्या करते हैं उसको कंडेंसर में जाके उसको कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में एंड देन अगेन इट इज़ गिवन टू बॉयलर ठीक है सो अगर हम उसी वेस्ट हीट को किसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं है ना या तो फिर उसको हम लोग दोबारा उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके फिर से टर्बाइन में अगर दें सो so, जहाँ पे वो हीट वेस्ट हो रही है वहीं पे हम उसको डबल यूज़ करके है ना अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं इट मीन्स को जनरेशन तो फ्यूल यूटिलाइजेशन इज़ मोर एफेंट जिसका मतलब ये है कि को जनरेशन में फ्यूल का यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज़ कंपेयर टू कन्वेंशनल पावर प्लांट को जनरेशन प्रिंसिपल को जनरेशन का प्रिंसिपल क्या है जब भी कोई स्टीम या गैस टर्बाइन से जाती है तो नियरली सिक्सटी टू तो सेवेंटी ऑफ द इनपुट एनर्जी स्केप मतलब निकल जाता है विद द एग्जॉस्ट स्टीम और गैस जब भी कोई स्टीम और गैस टर्बाइन को क्रॉस करके जनरेटर में जाता है जो कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने होती है तब वहाँ पर सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट जो है जो स्टीम होती है या गैस होती है वो निकल जाती है, है ना जो कि यूज़ नहीं होती you can see this diagram so this energy in the exhaust steam or gas is utilized for meeting the process heat requirement the efficiency of utilization of the fuel increases और वो एनर्जी जो कि इस्केप हो गई थी ठीक है टर्बाइन में ना टर्बाइन में जाके लेकिन वो जनरेटर में ना जाके है ना क्योंकि वो टर्बाइन से क्या होता है कन्वर्ट हो रहा है आपके इलेक्ट्रिसिटी में ठीक है लेकिन वो उस वो वेस्ट हीट है सो so, उस वे जो स्केप हीट है या वेस्ट हीट है वो क्या होती है वो उसको अगर हम किसी और प्रोसेस में यूज़ करें उस हीट का अगर हम किसी और प्रोसेस में यूज़ करते हैं तो उससे हमारे जो यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी यू कैन सी द डाइग्राम हेयर यहाँ पर आप डाइग्राम में एक चीज़ देखो कि जब वो गैस टर्बाइन वहाँ पर लिखा है ठीक है उस गैस टर्बाइन से देखो जो लो प्रेशर हीट होती है वो गैस टर्बाइन में गई ठीक है वहाँ से इज हर इट इज इट इज एच आर एस जी उसका मतलब होता है हीट रिक हीट रिकवरी सर्च गैस ठीक है जो भी आपका लो प्रेशर हीट था उसको हम लोग इस हीट रिकवरी में डालेंगे इससे क्या होगा जो भी उसका हीट है वो और अच्छे रिकवर होके उसको एप्लीकेशन बेस्ड बनाएंगे मतलब जैसे अगर उससे अटैच्ड है एक रेसिडेंशियल में अगर आपको देना है तो आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर में ला के एक उसको हॉट वाटर की तरह यूज़ कर सकते हो और उसको सप्लाई कर सकते हो ठीक है या तो फिर आप उसको किसी शुगर फैक्ट्री जहाँ पे वाटर यूज़ होता है वहाँ पर यह तो उस स्टीम उस को लो प्रेशर स्टीम को ऐसी फैक्ट्रीज में आप दे सकते हो जहाँ पे लो प्रेशर स्टीम यूज होता है ठीक है तो इस तरीके से को जनरेशन वर्क करता है सच एप्लीकेशन वेयर द इलेक्ट्रिकल पावर एंड द प्रोसेस हीट रिक्वायरमेंट आर मेट फ्रॉम द फील्ड टर्म को जनरेशन मतलब कि यहाँ पे आपकी दो चीज़ें हो रही हैं एक तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है उसी स्टीम से और उसी वेस्ट स्टीम से आप उसको हीट रिकवरी में डाल के दूसरी किसी और एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हो इसी को हम कहते हैं को जनरेशन सिंस मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज नीड बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेशन कैन बी सेंसिबल इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रीज़ ठीक है अभी बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो कि दोनों का यूज़ करती है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी तो डैट विल बी मच गुड इन्वेस्टमेंट ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है क्योंकि को जनरेशन के लिए एक अलग सेटअप की ज़रूरत पड़ती है ठीक है तो वो एक उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा लेकिन एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है एंड आपकी जो एफिशिएंसी है जो आप पावर यू, आप जो फ्यूल यूज़ कर रहे हो वो पूरे की पूरी यूज होगी एटलीस्ट वेस्ट तो नहीं जाएगी तो ये एक एडवांटेज है हमारे को जनरेशन का सिग्निफिकेंस फॉर एनर्जी कंजर्वेशन अब को जनरेशन हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर आपकी एनर्जी कंजर्वेशन हो रही है तो सबसे पहले क्या है आपकी एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है मैंने आपको पहले भी चार्ट दिखाया एनालिसिस दिखाई कि किस तरीके से है। जब हम फ्यूल देते हैं हंड्रेड परसेंट लेकिन अगर कन्वेंशनल है वो पावर प्लांट तो वहाँ पे सिर्फ कितना आएगा आपका जो आउटपुट है वो आधा ही मिलेगा लेकिन को जनरेशन में यू विल गेट अ गुड आउटपुट सो एब्सोल्यूटली इट गिव एफिशिएंसी एनर्जी रिड्यूस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल ओके फॉसिल फ्यूल क्योंकि जो आपका फ्यूल आप यूज़ कर रहे हो वो वेस्ट नहीं जाएगा आप फ्यूल यूज़ कर रहे हो यू कैन यूज़ वन फ्यूल एंड यू कैन यूज़ इट ट्वाइस आप उसको दो चीज़ में यूज़ कर सकते हो टू जनरेट हीट प्लस इलेक्ट्रिसिटी सो दैट इज़ वाई यूज ऑफ इट रिड्यूज एमिशन ऑफ सी ओ टू यस एमिशन ऑफ़ सी ओ टू मीन्स मैंने आपको पहले भी इसको पढ़ाया था कि जब हम प्लान, पावर प्लांट में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा होता है ठीक है कैसे आप एक चीज़ देखोगे पावर प्लांट आपने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा है थर्मल पावर प्लांट में जब बॉयलर से आपका स्टीम जनरेट होके टरबाइन टर्बाइन में पास होता है एंड फ्रॉम टर्बाइन जब आपका स्टीम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए जनरेटर में यूज जनरेट कर रहा होता है उसी वक्त जो टर्बाइन से पास होती है नॉम एग्जॉस्ट हीट जो कि मैंने वेस्ट हीट बताया वो वेस्ट हीट आपका कहाँ पे जाता है वो कंडेंसर में जाता है आपने कूलिंग टावर्स देखे होंगे कूलिंग टावर में क्या होता है कूलिंग टावर्स में वही स्टीम को हम नॉर्मल टेम्परेचर में लाते हैं एंड यू कैन सी द जो एमिशन हो रहा होता है आपने एमिशन देखा होगा कूलिंग टावर्स में कितने ज़्यादा वहाँ से फिर एमिशन होता है ना गैसेस बाहर निकलती हैं क्योंकि हम उसको कूल cool डाउन कर रहे होते हैं तो वो जो एमिशन होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हम उसी स्टीम को हीट रिकवरी में हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर में डाल के उसका अदर एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किसी को किसी किसी इंडस्ट्रीज में अगर आपको उसको एज अ एज अ हीट एज अ स्टीम ही देना है तो आपको उसको कूल cool करने की ज़रूरत नहीं है सो देर विल बी नो एमिशन हीट रिकवरी स्टीम इंजन स्टीम जनरेटर में हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं उससे आपका सी यू टू एमिशन जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूज़ होगा रिड्यूज कॉस्ट ऑफ एनर्जी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपने जितना भी फ्यूल यूज़ किया है अगर आप उसका पूरी तरीके से यूज़ कर रहे हो और आपको एक प्रॉपर एनर्जी एफिशिएंसी मिल रही है तो इससे आपका कॉस्ट जो है एनर्जी का वो बैलेंस्ड हो जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पे पूरा पैसा खर्च कर रहे हो फ्यूल के लिए बट यू आर गेटिंग अ वेरी लेस एनर्जी सो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी ओके सो दैट इज़ वाई को जनरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ हीट फिट्स द डिमांड द चीपेस्ट वे अगर देखो अभी हमारे इंडिया में कन्वेंशनल ही चल रहा है लेकिन अगर को जनरेशन से हम जो हमारे इंडिया की एक एनर्जी डिमांड है अगर उसको फुलफिल कर पाते हैं आगे फ्यूचर में तो ये एक चीपेस्ट वे है एनर्जी प्रोडक्शन करने का इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई यस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई को वो करती है यहाँ पर आप एक सिक, ्योर सप्लाई दे रहे हो आप कहीं पे भी लॉसेस को बहुत ही कम करने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई है वो इम्प्रूव हो रहा है यूज ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एज फल को जनरेशन सबसे ज्यादा अच्छा तब होता है जब यू आर यूजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट आप ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज से भी अगर उसका जनरेट कर रहे हो स्टीम और फिर उसको किसी और एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो अदर देन इलेक्ट्रिसिटी वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है ठीक है क्योंकि हम लोग कोल वगैरह के साथ ये जो सेटअप है ये नहीं कर सकते या कर सकते हो बट उतना खास नहीं क्योंकि कोल सेटअप जो होता है थर्मल पावर प्लांट उसका एक अलग से सेटअप बन जाता है ठीक है वो काफ़ी हाईली इंस्टॉलमेंट कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है लेकिन अगर आप इसी को आ, लोकल लेवल पे लोकल लेवल पे करते हो तो थोड़ा यू नो यू विल गेट अ गुड एनर्जी एफिशेंस एप्प्लीकेशन ऑफ को जनरेशन वॉट इज द एप्लीकेशन ऑफ को जनरेशन इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे को जनरेशन यूज़ हो सकता है पेपर और बोर्ड मैन्युफैक्चर में फाइन केमिकल्स ऑयल रिफिनरीज आयरन एंड स्टील बिल्डिंग्स होटल्स हॉस्पिटल सुपरमार्केट एंड लार्ज स्टोर ऑफिस बिल्डिंग So, on summary, you have learned about cogeneration concept, principle, significance, and application, and PO mapping PO1, 2, 3, 10, and PSO1. Next slide will be on classification of cogeneration. Thank you and keep learning.